आमेस मिठतर विरमणि सिखाप धुंस्माध्यामी आमेस मिठतर विरमणि सिखाप धम्मपद 62 बाल भग्गो। इसकी दो कथाएं हैं, एक कथा बिल्कुल सिंपल सादा है और दूसरी कथा बड़ी रंग बिरंगी और रंगों से भरी चमत्कारिक है। चमत्कार का तो कहीं कोई नाम पूरे धम्म में, बुद्ध में, संघ में कहीं है नहीं। किसी ने अगर चमत्कार का नाम भी लिया तो उसने धम्म और संघ के नियम को तोड़ा, उसको उसका दंड भी मिला और बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से मना भी किया और कभी कोई चमत्कार की बात उन्होंने की भी नहीं। मगर साहित्य तो साहित्य है और कथा तो कथा है। कथा कहाँ कहाँ से घूम के क्या क्या बन जाती हैं, कितना रस उसमें डाल देते हैं, कितना उसमें रंग डाल देते हैं, कितना चमत्कार डाल देते हैं, कैसा रंग बिरंगा कैनवास बना देते हैं कि आदमी खिंचा चला जाता है। दोनों कथाओं में आप अंतर देखिए। पहली कथा इस प्रकार है कि एक सावित्री के अंदर एक व्यक्ति है, वो बहुत धनवान है और धनवान के साथ साथ वो बड़ा कंजूस भी है, पैसे खर्च नहीं करता। उसका एक पुत्र भी है। वो जब मर जाता है तो मरने के बाद में अपने किसी अच्छे कर्म की वजह से वो आसपास ही कहीं बस्ती में जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद में उस समय भगवान बुद्ध उसे मिल जाते हैं और वो अपने किसी अच्छे काम के फल स्वरूप वो व्यक्ति धम्म को सीखना शुरू कर देता है। और धम्म को जब वो सीखता है तो धम्म सीखते सीखते उसे ये ज्ञान होता है, वो अपने पुराने जो फाइल फोल्डर हैं उन पर को खोलने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बैसाख पूर्णिमा को सबसे पहले जो पहला पहर था उसमें उन्होंने अपना सबसे पहले जो पिछले जन्म के अनुभव थे, यानी जो पिछले वर्जन थे जहां से उनकी फाइल लगातार लगातार ट्रांसफर हो रही थी, सबसे पहले वो उन्होंने अनुभव किए देखे। तो ये जो पुराने फाइल फोल्डर को अनुभव करने की ताकत विपस्सना में के बाद में आ जाती है, ऐसा माना जाता है। ये ठीक आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कल की घटना है तो आपको आज याद है, एक महीने पहले की कम याद है, एक साल पहले की और भी कम याद है, या प्रमुख प्रमुख घटनाएं याद हैं। मगर अगर आप बहुत ज्यादा आराम से बैठें और सोचना शुरू करें तो घटना घटना से जुड़ती चली जाती है और आप अपने बचपन तक की घटना को ऐसा ही अनुभव कर लेते हैं जैसे वो घटना घटी है। भले ही उसके उस समय रंग याद नहीं रहते, क्योंकि सारी जो पिक्चर चलती हैं वो माइंड में ब्लैक एंड व्हाइट चलती हैं, रंग बिरंगी नहीं चलती, और उनके भाव ज्यादा आते हैं कि हमें कैसा उस समय महसूस हुआ, कैसा नहीं हुआ। उस भाव के आधार पर ही हम चल चित्रण अपने चेहरे में चित्रण बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आंख से देखा है तो उसकी फाइल फोल्डर हमारे हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में वो बनी हुई होती है। तो जो अर्थ होते हैं या जो भिक्खु होते हैं या जो विपस्सना साधना करते हैं, वो इतना बारीक अपना देख लेते हैं कि वो अपने माँ के पेट की भी फाइलें देख लेते हैं और उससे पीछे की भी देख लेते हैं कि उनका बर्थ कहाँ से ट्रांसफर होकर वो फाइल आई है। तो वो जो व्यक्ति था कंजूस व्यक्ति, उसने अपनी फाइल खोल के देखा, उसने देखा कि वो बहुत ज्यादा कंजूस था, उसका एक बेटा था। तो उसने अपने बेटे को अनुभव किया, उसने उस धन को अनुभव किया, उसने अपनी पुरानी अवस्था को अनुभव किया और ये बात भगवान बुद्ध को बताई। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही जो गाथा नंबर 62 है। एक तो कहानी ये है, अब दूसरी कहानी क्या है उसको भी जरा देख लीजिए। एक आनंद नाम का सेठ है, बहुत ज्यादा बड़ा सेठ है सावित्री के अंदर, बड़ा उसके पास पैसा है, 5 घड़े भरकर उसके पास में मुद्राएं हैं। उसका एक बेटा है मूलश्री, मूलश्री का मतलब है मूल माने मुख्य और श्री माने सर, यानी कि हेड हो गया, मनी मुख्य से, जैसे श्रीमान होता है ऐसे ही भो श्री होता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी आपको बनाई है, आप देख लें। तो मूल श्री को वो कुछ भी पैसे नहीं देता और ना ही खर्च करता है, ना ही वो किसी को कभी दान वगैरह देता है, बहुत कंजूस है। उस अपने कंजूस के साथ साथ वो मर जाता है और मरने के बाद में वो पांचों जो घड़े हैं भरे हुए मुद्राओं के, वो भी अपने बेटे को नहीं बता पाता कि वो कहां दबे हुए हैं और ऐसे ही मर जाता है। कहानी आगे चलती है और कहते हैं कि वो पास की एक गरीब और दरिद्र बस्ती में जाके एक जन्म लेता है, एक औरत के पेट में गर्भ में धारण करता है। तो अचानक उस गरीब बस्ती की और ज्यादा हालत खराब होने लगती है, उनको खाना भी नहीं मिलता। तो गरीब लोग सारे सभा करते हैं और सभा करने के बाद कहते हैं कि ये अचानक वृद्धा आई है, ये क्यों आई है। तो वो कहते हैं कि इस औरत को, जो ये औरत है अभी गर्भवती हुई है, इसके गर्भ के कारण हमारी वृद्धा आई है, इसको निकाल दो। उस औरत को निकाल देते हैं।
वो औरत परेशान होकर उधर घूमती रहती है, भीख मांगती रहती है और एक बच्चे को जन्म देती है। जो आनंद सेठ है वो उसके घर में है और अब उसकी सूरत बहुत कुरूप हो गई है, वो बड़ा कुरूप हो चुका है जब वो पैदा होता है। इतना कुरूप होता है कि उसको भीख मांगने जाता है तो लोग उसे भीख भी नहीं देते, बड़ी मुश्किल से उसका लालन पालन होता है। एक बार वो ऐसे भीख मांगते मांगते घूम रहा था तो उसको अपने पुराने घर के आगे से निकलता है तो उसकी स्मृति में आता है, स्मरण में आता है, मेमोरी में आता है, मैच करता है कि ये तो मेरा पुराना घर है और ये मेरा बेटा है। तो वो बेधड़क उस घर में घुस जाता है। उसके बेटा जो मूलश्री होता है उसके भी बच्चे हो चुके हैं, उसके बच्चे और मूलश्री मिलकर उसकी पिटाई करते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं सड़क पर मार कर। जब उसे मार पीट के उसको बाहर फेंकते हैं तो उस समय भगवान बुद्ध चारिका करते हुए अपने भिक्खु संघ के साथ जा रहे होते हैं। वो अपनी दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो पारगामी है, वो औरों का भी मन और फाइल को रीड कर लेते हैं। ये शक्ति बुद्ध के अंदर होती है, बुद्ध किसी के भी मनोमस्तिष्क स्वभाव को पढ़ सकते हैं, उसकी मेमोरी खोल सकते हैं। तो वो देखते हैं कि ये पुराने समय में इसका पिता था और ये मूल सीरीज का बेटा था, तो वो उसको अपने पास बुलाते हैं। फिर उस मूल श्री को बुलाते हैं और मूल श्री को कहते हैं कि जिसको तुमने मार के पीट के यहाँ फेंक दिया ये तुम्हारा पिता आनंद है। मूल श्री को यकीन नहीं होता तो वो कहते हैं कि बताओ तुमने जो 500 जो मुद्राओं के घड़े जहाँ गाड़े थे वो अपने बेटे को बताओ। तो वो पांचों घड़े बताता है, पांचों घड़े निकाल लिए जाते हैं। तो आनंद को यकीन होता है, मूल श्री को यकीन होता है कि आनंद उसके पिता है। फिर आनंद मूल श्री भगवान बुद्ध की शरण में चला जाता है और आनंद भी भगवान बुद्ध की शरण में जाता है। इस प्रकार फिर भगवान बुद्ध ये गाथा कहते हैं। ये दो गाथाएं हैं, सेम दो कथाएं हैं, सेम एक गाथा की। एक जो कथा है, एक जो कहानी है वो बहुत सिंपल है, लॉजिकल है, साइंटिफिक है, और जो दूसरी वाली है वो चमत्कार से भरी पड़ी है। मगर चमत्कारों वाली जो कहानी है वो एक बार में याद हो जाती है और जो साइंटिफिक कहानी है वो याद नहीं होती है, क्योंकि चमत्कारिक कथा हमारे मन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हम उसके तथ्यों को नहीं देखते कि ये ठीक है या नहीं है, इसी से अंधविश्वास बढ़ता है, इसी से धम्म खत्म होता है और इसी से धम्म खत्म भी हुआ है। क्योंकि किसी भी हालत में कहीं कोई जो दरिद्र लोग हैं वो इतने ज्ञानी नहीं है कि किसी के गर्भ में ये पता कर सकें कि इसके गर्भ में जो बच्चा आया हुआ है उसकी वजह से हम सब परेशान हैं। अगर वो इतने ज्ञानी ध्यानी होते तो वो दरिद्र ही नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, अर्थ और भिक्खु के अलावा किसी के मन को पढ़ना इतना आसान है नहीं। अगर कोई पढ़ सकता है तो वो फिर दरिद्र नहीं रहेगा। बहुत सारी बातें इसमें हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जा रहे हैं, मार पीट के उसने फेंक दिया है, फिर मटके देखे उसने और बदल लिया। ये सब काल्पनिक कथाएं हैं जो लोगों को याद करने के लिए हैं। इसलिए मैंने पहले भी बताया है और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो गाथाएं हैं वो ठीक हैं, सारी गाथाएं लगभग जो बुद्ध ने कही है वो ठीक है, अगर वो आपने विपश्यना के आधार पर चेक की हैं। कुछ गाथाओं में गड़बड़ भी है, कुछ शब्द बदले गए हैं, वो शब्द भी आपको देखने पड़ेंगे कि वो शब्द कहां से आए, क्योंकि वो पाली के शब्द नहीं है, वो शब्द बाद में जोड़े गए हैं, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। मगर विपश्यना के आधार पर आप चेक कर सकते हैं कि वो गाथाएं वो ठीक है या नहीं है। पर कथाएं तो कथाएं होती हैं, इसलिए कथाओं के सार को साइंटिफिक वे में लें और उनको सीखें, उनको तथ्यों को जानें। तो गाथा इस प्रकार है, उत्ता मत्थी धन मत्थी इति बालो विहयति अत्ता ही अत्तनो नत्थी कुतो पुत्ता कुतो धनन। पुत्ता मत्थी धन मत्थी, पुत्ता मत्थी का मतलब है पुत्ता माने पुत्र और मत्थी माने मम और अत्थि, यानी मैं हूं या मैं है, यानी मेरा मैं मेरा, यानी पुत्र मेरा। धन मत्थी मेरा धन, यानी मेरा पुत्र मेरा धन। इति बालो विहयति, इति बालो, इति जो शब्द है वो बहुत कमाल का है। इति माने होता है ऐसा, इति माने होता है ऐसा, और इति शब्द से ही इतिहास बना है। इति है इतिहा और इतिहास, इति है होता है जो जानकारी इकट्ठी होती है उसको इतिहा बोलते हैं। इतिहा माने होता है कि जो जानकारी जो कथन है उसको अगर पुनरावृत किया जाए तो वो इतिहा होता है, और अगर उसको अकाउंटेबल किया जाए तो वो इतिहास हो जाता है। यानी कि जितनी जानकारी है जो कहा गया है वो इतिहा हो गया, जो उसको पुनरावृत किया गया वो इतिहास हो गया, और अगर उसको अकाउंटेबल करके स्टोर किया जाए तो वो इतिहास हो गया। ये पाली का शब्द है इतिहास, इति से बना हुआ है। इति माने ऐसा, इति बालो विहयति, इति बालो, बालो का मतलब है जो
कम बुद्धि का है, अज्ञान है, जो जानता नहीं है, जो धम्म को नहीं जानता, जो धम्म को नहीं देखता, जो बिल्कुल ही इनोसेंस कह सकते हैं एक तरह से, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो इमैच्योर है, यानी कि जो इमैच्योर है उसको बाल बोलते हैं। इति बालो विहयति, यानी कि जो बाल है, जो अज्ञानी है, ऐसा वो कष्ट को पाता है। अत्ता ही अत्तनो नत्थी, अत्ता ही का मतलब है अत्त माने स्वयं, यानी स्वयं ही माने निश्चय, यानी वास्तव में, यानी स्वयं ही वास्तव में अत्तनो नत्थी, अपना ही नहीं है, नत्थी माने नहीं है, यानी कि जो मैं हूं, जो स्वयं हूं, मैं खुद अपना नहीं हूं, यानी मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मैं भी अपना नहीं हूं। कुतो पुत्ता कुतो धनंग, कुतो कुतो माने जैसे हम कहते हैं जालंधर तो, पंजाब तो, हरियाणा तो, दिल्ली तो, अमृतसर तो, ये पंजाबी शब्द है जो पाली में आज भी चलता है। तो का मतलब से, और कु माने होता है कहां, यानी कुतो का मतलब है कहां से, कहां से पुत्ता, यानी कौन सा पुत्र, कहां से पुत्र, और कुतो धनंग और कहां से धन। कहते हैं कि जब मैं, मेरा ही शरीर नहीं है, मैं खुद ही नहीं हूं, तो काय का धन और काय का बेटा, जबकि मैं हाय हाय करता फिर रहा हूं, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा धन। ये जो मूर्ख लोग हैं वो सब अपना नष्ट कर लेते हैं इस बात में, ये कहते कहते कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा धन है, क्योंकि आदमी को अपने धन से भी बहुत ज्यादा प्यार होता है और अपने बेटे से भी प्यार होता है, और मरते मरते भी अपने बेटे और धन से उसको बहुत ज्यादा प्यार रहता है। ये इतना बड़ा राग है, इतना बड़ा राग है कि मरते मरते भी साथ जाता है आदमी, इसको साथ लेके जाता है और फिर नया जीवन भवचक्र में पाता रहता है। जो मूर्ख लोग हैं, जो जो जानते नहीं है, जो इमैच्योर लोग हैं, जो परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व लोग हैं, वो सब अपना नष्ट करते हैं इस बात में कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा धन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है। अरे जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है, जब ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारा बेटा कैसे हो जाएगा और तुम्हारा धन कैसे हो जाएगा, फिर कहाँ का धन और कहाँ का बेटा। इस गाथा को, बहुत सिंपल गाथा है और बहुत अच्छी तरह से भगवान बुद्ध ने बताई, जब उसने अपनी स्मृति बताई बिहार, अपने पुत्र और अपने धन की, ऐसे ऐसे राग की भावनाएं आ रही हैं, तब ये गाथा कही, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami.
साधु साधु। कामेश मिठा तारा वीरमणि सिखाप धिंस माध्यामी। कामेश मिठा तारा वीरमणि सिखाप धिंस माध्यामी। कामेश मिठा तारा वीरमणि।